गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज आप देख रहे होंगे कि ये क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ, ये है खजूर की टांग और इससे मैं बनाना बताऊंगी आपको झाड़ू, जिसकी हमारे जीवन में, हमारी डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जी हाँ, आज मैं आपको झाड़ू बनाना बताऊँगी खजूर की टांग से। तो ये देखिए, पापा और मम्मी जो हैं खजूर की टांग काट कर लेकर आए थे, तो वो वहीं से ही, जितने बड़े हम झाड़ू बनाते हैं उतनी बड़ी टांग काट के लिए आए थे। और कुछ टाने, दो चार टाने हैं जो ऐसी रख कर लाए थे, तो मम्मी जहाँ पर हैं साइड में रख रही हैं इन टानों को उठाकर। और ये देखिए, कुछ टान ऐसी ले आए थे तो इनको हम बाद में काटेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मम्मी ने झाड़ू के लिए ये टान उठाकर साइड में रख दी हैं। और अब जितनी टानों के झाड़ू बनते हैं तो उतनी टाने इकट्ठा कर कर, मतलब साइड साइड में रखती जा रही हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर हम तीन टानों से झाड़ू बनाते हैं। ये देखिए, तीन टाने हैं तो इनसे हम झाड़ू बनाते हैं। और ये पतली पतली टाने हैं जो ऊपर की छोर की हैं, तो उनको क्या है, हम बीच में लगाते हैं झाड़ू के। तो इस प्रकार से हम कुल चार टानों का झाड़ू बनाते हैं। तो ये देखिए, अगर आपको झाड़ू की लंबाई नापनी है तो आप एक टान से इस प्रकार नाप सकते हैं, जैसे आपके घर में झाड़ू हो खजूर की टान वाला, तो आप उससे नाप सकते हैं। या फिर आप, मतलब उस झाड़ू से नापकर एक टान काट लीजिए और उसी प्रकार से आप सारी टाने काट सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये लंबी टाने हैं तो इनका हम बाद में काटेंगे। और तो ये देखिए, यहाँ पर मैं और मम्मी जो है झाड़ू बनाना स्टार्ट हो गए हैं। तो मम्मी ने थोड़ा झाड़ू बना भी लिया है और अब मैं झाड़ू बनाना स्टार्ट हो गई हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं बताती हूँ आपको किस प्रकार से बनाएंगे हम। तो ये देखिए, मैंने दो टान ली हैं और इनको जैसे दो व्यक्ति अपनी पीठ करके खड़े होते हैं एक दूसरे की ओर, तो उसी प्रकार से मैंने टानों को रख लिया है। और ये जो खोड़ियाँ हैं, फंगना है, हम इनको खोड़ियाँ भी बोलते हैं और फंगना भी बोलते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं इस प्रकार से, जैसे हम चोटी बनाते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर मैं गुत्थी जा रही हूँ इनको। तो जिस प्रकार से हम चोटी में लरियों को बारी बारी से करते हैं, एक के ऊपर एक रखते जाते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर मैं एक फंगना के ऊपर दूसरे फंगना को रख कर गुत्थी जा रही हूँ। और हमें इसको थोड़ा सा टाइट खींचना है। तो ये देखिए, इस प्रकार से मैं एक फंगना के ऊपर दूसरा फंगना, फिर दूसरे फंगने के ऊपर फिर दूसरा फंगना, इस प्रकार से रखती जा रही हूँ। तो ये देखिए, हम बहुत ही आसान है बनाना इसको और बहुत ही ज़रूरत वाली चीज़ है डेली लाइफ में। अगर आपके यहाँ पर भी खजूर का पेड़ हो तो आप उसको वेस्टेज जाने ना दें, और आप भी बिल्कुल मार्केट जैसा झाड़ू आप घर में बना सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने झाड़ू बनाना स्टार्ट कर दिया है। और हम इस प्रकार से, जिस प्रकार से हम चोटी बनाते हैं उसी लय में हम इसको गुत्थे चले जाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर इसको भी, ये तीसरी टान है तो इसको भी हम बैक साइड से लगा लेंगे। इसको जैसे पीट करके दो व्यक्ति खड़े होते हैं उसी प्रकार से इसको भी पीट करके ही, मतलब बैक साइड से, पीछे की साइड से हम इसको गुथना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं इस प्रकार से इसको गुथना स्टार्ट कर देती हूँ बिल्कुल चोटी की तरह। तो यहाँ पर देखिए, मैं इस तीसरी टान को भी, ये जो मैंने दो टाने गुथी थी उसी के साथ में इसको गुद देती हूँ। और इसी प्रकार से मैंने ये सारी ऊपर तक गुद दी है। तो ये देखिए, और अब ये देखिए, एक बीच में भी जो फंगना है वो दिख रहे हैं आपको, ये जो खड़े हैं, तो इनको भी मैं बिल्कुल चोटी की तरह गुथ लूँगी इस प्रकार से। ये देखिए, इस प्रकार से चोटी की तरह बना लूँगी मैं इनको। और ये देखिए, मैंने इस प्रकार से इसको यहाँ तक गुथ लिया है, ये जो बीच में फंगना लग रहे थे उनको। और अब मैं इसी प्रकार से ऊपर तक गुथ दूँगी इनको। ये देखिए, मैं ऊपर तक गुथती जा रही हूँ इनको, जो फंगना है, खोड़ियाँ हैं इनको, आपकी भाषा में आप जो भी समझते हो इनको, जो भी बोलते हों, तो हम यहाँ पर फंगना बोलते हैं, खोड़ियाँ भी बोलते हैं इनको। तो ये देखिए, मेरा ऊपर तक मैंने गुथ लिया है इसको। और अब ये जो गुथाई है वो निकले नहीं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक ये जो है
आप गठन भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो लगाना बेस्ट रहेगा, तो एक फंगना को लेकर मैं दूसरे फंगना में इस प्रकार से मैंने ऐसे कर दिया है इसको। और अब ये देखिए कितना सफाई से गुथा है झाड़ू, कितना सफाई से लग रहा है। और ये देखिए इसको मैं इस प्रकार से रख कर ये हाथ से थोड़ा दबा कर ऐसा रख देती हूँ। और ये चौथी ठान है हमारी। इस ठान को भी हम ये जो है बीच में हमने तीन ठाने गुथी हैं उसके बीच में इस प्रकार से रख देंगे हम, ये हाथ से इस प्रकार से दबा करके हम बीच में इस प्रकार से रख देंगे। इससे क्या होता है दोस्तों, झाड़ू अच्छा मजबूत बनता है और बहुत दिनों तक चलता है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने एक टान बीच में रख कर इसको दबा दिया है इस प्रकार से। और यहाँ पर हम एक ये जो फंगना है उसी से एक गठन लगा देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मेरे पास पलटा है छोटा सा, यहाँ पर लोहे का पलटा है, तो इसका उपयोग करके मैं यहाँ पर एक छेद कर लूँगी। और इसी के फंगना है, जो स्टार्टिंग में फंगना होते हैं वो कड़क और थोड़े पतले होते हैं और थोड़े मजबूत होते हैं, तो उनको मैं यहाँ पर उनका उपयोग करके यहाँ पर गठान लगाऊंगी, मतलब बांधूंगी इनको तीनों टानों को। और आप रस्सी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर रस्सी का इस्तेमाल ना करके इन्हीं जो फंगना है इन्हीं का उपयोग किया है। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही सरल है इनको बनाना, आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने जो है इस फंगना की गठान लगा दी है इन चारों टानों में, एक बीच में टान रखी है उसमें और इन तीनों टानों को लेकर। तो ये देखिए अब निकलेगा नहीं ये झाड़ू। तो यहाँ पर मैं चार गठान लगाऊंगी जैसे मैंने आपको बताया बारी बारी से। तो यहाँ पर एक और गठान लगा देती हूँ मैं, यहाँ पर बांध देती हूँ चारों टानों को, इससे क्या होगा ये निकलेगा नहीं। इस प्रकार से पकड़ के मैं इसमें लगा देती हूँ। तो ये देखिए अच्छे कस करके लगाना है, आप रस्सी का उपयोग भी कर सकते हैं लगाने के लिए। और ये देखिए दो जगह हो गई है, अब तीसरी जगह मैं यहाँ पर छेद करके गठान लगाऊंगी, बांधूंगी इन तीनों चारों को। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने छेद कर लिया है इसकी सहायता से, पलटे की सहायता से। और अब मैं यहाँ पर भी बांध देती हूँ झाड़ू को, ये देखिए इस प्रकार से। ये मैंने यहाँ पर गठान लगा दी है इसमें। और अब जो है मैं ऊपर ये जो निकल रहे हैं फंगना, तो इसको पहले इसी की सहायता से, इसी टान में जो फंगना लगे हैं उसी की सहायता से बांध दूँगी, ये देखिए इस प्रकार से, ताकि वो जो खड़े हो रहे थे वो थोड़ा ये बाकी जो झाड़ू के फंगना है उसी लाइन में हो जाएं। तो ये देखिए अब मैं चौथी जगह इस पलटे की सहायता से छेद करके बांध दूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ये पलटे की सहायता से छेद कर लिया है और अब मैं फंगना से बांध दूँगी इसको झाड़ू को। ये इस प्रकार से मैंने फंगना निकाल करके और इस प्रकार से ये गठान लगा दी है, ये देखिए। तो ये देखिए दोस्तों हमारा झाड़ू बनकर तैयार है। और ये देखिए मैं इस पलटे से थोड़ा सा इसको इस प्रकार से कर दूँगी ताकि इनके जो जो इधर उधर फंगना हो रहे हैं वो बिल्कुल सीधे हो जाएं। तो दोस्तों देखा आपने, झाड़ू बनकर तैयार है। हम इसको कुछ दिनों के लिए छांव में ही सुखाएंगे और इसके बाद हम इसका उपयोग करेंगे। तो बहुत ही मजबूत और बहुत ही अच्छा झाड़ू बना है, बिल्कुल बिल्कुल मार्केट की तरह, ये देखिए। तो देखा दोस्तों आपने, हमारा झाड़ू बनकर तैयार है बहुत ही आसान और बहुत ही सरल तरीके से। तो ये देखिए मैंने इसकी मजबूताई के लिए चार जगह इसको बांधा है और आप इसमें रस्सी का उपयोग भी कर सकते हैं। और चार टानों का प्रयोग हुआ है इसमें, और जो मैंने चौथी टान लगाई थी आप उसको उपयोग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अगर आप करते हैं तो उसमें क्या मजबूती आ जाती है झाड़ू में, और झाड़ू काफ़ी दिनों तक चलता है अच्छा। तो दोस्तों बहुत ही आसान और बहुत ही सरल है, आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। और आपके खेत में और बागीचे में अगर खजूर है तो उसकी टानों को वेस्टेज ना जाने दें, उनका उपयोग करें। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।